कमाल की बात है, मैं बस से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ। अक्षय कुमार का बयान, स्कूल में 3 बार हुआ फेल, अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लोग इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मुगलों पर दिए गए बयान पर कर रहे हैं जमकर खिंचाई। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जहां फिल्म में दिखाई गई पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या पर सवाल उठ रहे हैं। तो वही कई सोशल मीडिया यूजर अक्षय के फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिए गए बयान पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार ने मुगल और इतिहास को लेकर बात की थी। अक्षय कुमार ने कहा था कि हमें मुगलों के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया, जबकि अपनी राजाओं के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास की किताबों में केवल 2-3 लाइनें हैं, जबकि आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अक्षय कुमार के इस बयान के बाद जहां वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए थे और लोगों ने इतिहास की किताबों के पन्ने शेयर कर उनको बताना शुरू कर दिया था कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बताया गया है, तो वहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की कपिल शर्मा शो की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अक्षय बताते नजर आ रहे हैं कि वो स्कूल में 3 बार फेल हुए थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार संजय शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बेचारे अक्षय की गलती नहीं है, इतनी बार फेल हुए तो कहां से पृथ्वीराज चौहान पढ़ लेते। तो वहीं इस पर पत्रकार अंशुल सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, फिल्म देखकर बनाकर जिन्हें लगता है कि स्कूल के सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ाया गया, ऐसे लोगों का एक बार बैकग्राउंड जरूर चेक करें। अभी एक अभिनेता ने सिलेबस में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ना पढ़ाने की बात कही थी, बाद में पता चला कि 10वीं तक आते आते वो 3 बार फेल हुए थे। इस पर रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, मुनाफा कुमार इतिहास गलत, स्कूल में 3 बार फेल, कंगना आजादी 2014 में मिली, 12वीं फेल। तुम्हारी कई पत्रकार अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे में शाहजहां की कॉस्ट्यूम पहने ताजमहल में की गई शूटिंग पर ही तंज कसते नजर आ रहे हैं। इस पर पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, अक्षय कुमार आज मुगलों को पानी पी पी कर गरिया रहे हैं, लेकिन साल भर पहले खुद शाहजहां बनकर ताजमहल के सामने घूम रहे थे। तुम्हें इस पर पत्रकार अंशुल सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, अक्षय कुमार आज जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान बने हैं वो कल मुगल बादशाह शाहजहां बने घूम रहे थे। सिर्फ 1.5 साल पहले फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग के दौरान ताजमहल के सामने शाहजहां बनकर घूमते अक्षय कुमार। अक्षय ने वीडियो शेयर कर लिखा था, बहताज। तो वहीं अक्षय कुमार के चिकनधारी कुर्ता पहनने पर पत्रकार काविश अजीज ने ट्वीट करते हुए लिखा, द सॉरी मोमेंट, मुगलों का कपड़ा पहनकर अक्षय कुमार ने किया पृथ्वीराज चौहान फिल्म का प्रमोशन। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस वक्त अक्षय कुमार को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।